हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन लेकर आए हैं। जैकेट वाला टॉप है और ट्राउज़र पैंट, बहुत ही खूबसूरती से और स्टेप बाय स्टेप हमने इसे स्टिच किया है। देखिए, बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही खूबसूरत लुक तैयार हुआ है। आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप अपने लिए भी स्टिच कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टिच करते हुए हमने ये ड्रेस को डिज़ाइन किया है। तो देखते हैं हमारे ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने ट्राउजर पैंट की कटिंग की थी, आज की वीडियो में हम इसके टॉप की कटिंग करने वाले हैं। हमें ट्राउजर पैंट पे लॉन्ग टॉप की कटिंग करते हुए जैकेट वाला टॉप तैयार करना है। देखिए, इस तरह का हमारा एक कैटलॉग पीस है, हमने इसका कपड़ा ले लिया है और इसे हमें लॉन्ग टॉप में कटिंग करते हुए जैकेट वाला टॉप स्टिच करना है। तो देखते हैं हमारी कटिंग किस तरह से है। हमने ये चार पट में कपड़े की घड़ी डाल दी है। अब इसके ऊपर हम टॉप का डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले लेंथ देख लेंगे, हमें लेंथ टॉप की लॉन्ग चाहिए। ये देखिए, ये 39 का कपड़ा तैयार है। हमें 43 का टॉप तैयार चाहिए, इसलिए हम ऊपर ज्वाइंट लगाते हुए टॉप की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये 43 और ये 1.5 इंच हमें सिलाई के लिए मार्जिन चाहिए, इसलिए हम 45 पे टॉप की कटिंग करेंगे। 45 पे डॉट करेंगे, 45 पे हमने डॉट कर लिया है। इसके मुताबिक हमें ये पूरा डायग्राम डालना है। ये देखिए, 6.5 हमें ऊपर ज्वाइंट लगाना है। यहाँ पे 6.5 लेंथ में यहाँ पे हमें कपड़े को ज्वाइंट देना है, इसी के मुताबिक हम डायग्राम डालेंगे। 6 हमारा हाफ राउंड है और शोल्डर से कमर हमारा 14 है, 14 पे डॉट करेंगे। कमर का नाप डालेंगे और सीट का नाप डालते हुए हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ऊपर का ज्वाइंट देने के बाद हमें शोल्डर का और हाफ राउंड का और छाती का नाप डालना है। यहाँ पे हम कमर का और सीट का नाप डालते हुए टॉप की कटिंग कर लेंगे। कमर का नाप हमारा 7.5, 1.5 इंच माया, 9 सीट, 1.5 इंच माया। छाती के मुताबिक हम यहाँ पे नाप डालेंगे, 9 की हमारी छाती है, 1.5 इंच माया लेंगे और इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जहाँ पे हमने डॉट लगाया है वहाँ पे हम फ्लेयर का नाप डालेंगे। फ्लेयर हमारा 10, 1.5 इंच माया। देखिए, हमारा टॉप का डायग्राम हो गया, इसकी कटिंग कर लेंगे। टॉप की कटिंग होने के बाद हमें यहाँ का ज्वाइंट लगाना है। ये देखिए, ज्वाइंट लगाने के लिए हमने 4 डबल में कपड़ा ले लिया है। इस तरह से हमारा ये कपड़ा है, हमने इसे 4 डबल में घड़ी करते हुए इसके नाप के मुताबिक कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम 1/2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसे बॉल पिन से हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे बॉल पिन से पूरी तरह से अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ऊपर का जो हमारा डायग्राम बाकी है उसका डायग्राम डालने का तरीका देखेंगे। शोल्डर से कमर पे हम टेप को इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, शोल्डर से कमर हमारी 14 है और शोल्डर से सीट 19। इसी के मुताबिक हमें पूरा डायग्राम डालना है। 6 हमारा हाफ राउंड है, शोल्डर यहाँ पे लेंगे, 6 पे हमारा हाफ राउंड है, जहाँ पे हमने डॉट किया है वहां पे हम शोल्डर का नाप लेंगे। ये हमारा हाफ राउंड है, जहाँ पे डॉट किया है डॉट के मुताबिक लाइन अप करेंगे और यहाँ पे हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमारा 6 है, हाफ राउंड का नाप डालेंगे 6 हाफ राउंड, जहाँ पे हमारा हाफ राउंड है वहां पे हम चेस्ट का नाप लेंगे। छाती का नाप हमारा 7.5, 1.5 इंच माया। इसी के मुताबिक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और कमर में इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। हाफ राउंड का नाप डालेंगे। ये देखिए, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है, इसकी कटिंग कर लेंगे।
हमारा टॉप का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। सवनो आधा इंच स्किप करते हुए हम पौने नौ पे हाफ राउंड का नाप लेंगे। स्लीव्स के लिए हमने इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है, स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स हमें पूरी लॉन्ग लेनी है, उसके लिए हम कपड़े की लेंथ ले लेंगे। स्लीव्स की लेंथ है हमारी 22 है, 2 इंच मार्जिन लेते हुए 24 पे डॉट करेंगे। जहाँ पे हमने डॉट किया है यहाँ पे हम स्लीव्स की गोलाई ले लेंगे। स्लीव्स की गोलाई हमारी 5 है, 1.5 इंच माया ऊपर की तरफ से, नीचे पे हम 3 इंच पे डाउन करेंगे। जहाँ पे हमने 3 इंच पे डॉट लगाया है वहाँ पे हम हाफ राउंड का नाप लगाएंगे। हाफ राउंड का नाप हमारा 9.25 है, 9.25 पे डॉट करेंगे इस तरह से। 1.5 इंच अंदर लेते हुए हम हाफ राउंड का डायग्राम डालेंगे। इस तरह से हमने ये हाफ राउंड का डायग्राम डाल दिया है। स्लीव्स की गोलाई जहाँ पे हमने 1.5 इंच माया दिया है वहां से हमें इस डॉट में इस तरह से लाइन अप करना है। हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद हमारा जो 1.5 इंच बाजू से छूटा हुआ है इसे हमें स्लीव्स की सेंटर से लेके इस तरह से गोलाई लगाते हुए ये डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा स्लीव्स का डायग्राम कंप्लीट हो गया है। इसकी कटिंग कर लेंगे, 5 इंच क्रॉस करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है, अब हम जैकेट की कटिंग करेंगे। जैकेट की कटिंग के लिए हमने ये पेपर ले लिया है। इसके ऊपर हम सबसे पहले जैकेट का डायग्राम हम पेपर पे डालेंगे और फिर कपड़े पे रखते हुए उसकी कटिंग करेंगे। शोल्डर सेम जितना हमारा ड्रेस का है उसी के मुताबिक हमें इसके ऊपर डायग्राम डालना है। शोल्डर 6, हाफ राउंड 6, हाफ राउंड से अटैच छाती का नाप लेंगे। शोल्डर से कमर 16 लेनी है हमें, छाती का नाप 9, 1.5 इंच माया कमर 7, 1.5 इंच माया, डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। हाफ राउंड का नाप डालेंगे। इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैकेट के मुताबिक हमने पेपर कटिंग कर ली है। अब इसकी हम पेपर कपड़े की कटिंग करेंगे। कपड़े की हमने एक केरी कपड़े की घड़ी ली है, इसे एक एक करते हुए हमें दो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों निकालने हैं। ये देखिए, इसके मुताबिक हम इस तरह से ये पेपर रखेंगे और पेपर के मुताबिक हम डॉट डॉट करते हुए इसके ऊपर डायग्राम डाल देंगे। हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी के मुताबिक हम दूसरा भाग भी इसी तरह से निकाल देंगे। जैकेट की हमने कटिंग कर ली है, अब इसके फ्रंट भाग को हमें जो कट करना है वो कटिंग देखेंगे किस तरह से है। फ्रंट साइड की हम सबसे पहले गले का डायग्राम डालेंगे। गले का डायग्राम हमारा 2.5 इंच पे है, 2.5 इंच पे डॉट करेंगे और यहाँ पे हमें गले का डायग्राम डालना है। 4.5 इंच पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी के मुताबिक हमें यहाँ पे गले का शेप डालना है। राउंड शेप लेते हुए हम गले को कट करेंगे। अब 1 इंच के फासले पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। हमने जो डायग्राम डाला है इसी के मुताबिक हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग होने के बाद बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे, 2.5 इंच पे डॉट देंगे, 1.5 इंच नीचे डॉट करते हुए 1.5 इंच, 2.5 और 1.5 इंच का बॉक्स तैयार करना है। देखिए इस तरह से, और इसे राउंड शेप लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैकेट टॉप स्टिचिंग में सबसे पहले हम टॉप की स्टिचिंग करेंगे। जैकेट को हम बाद में सिलने का तरीका देखेंगे।
पहले टॉप की स्टिचिंग करेंगे। टॉप हमें सिंपल स्टेप पे सिंपल तरीके से सिलना है। शोल्डर के पास जो हमारा ज्वाइंट आया था वो ज्वाइंट को हमने यहाँ पे स्टिच करते हुए यहाँ पे ऐड कर लिया है। हमारा ये टॉप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम गले लगाने का तरीका देखेंगे। इस तरह से हमने ये दो गले तैयार करके रख लिए है। 2.5 साढ़े 6 का हमारा सामने का गला है, 2.5 6 का हमारा बैक साइड का गला है। सबसे पहले हम टॉप पे ये ऐड करने का तरीका देखेंगे। टॉप का एक भाग लेते हुए एक भाग साइड में रखेंगे और इसे हम यहाँ पे इस तरह से फ्रंट वाला भाग है इस पे हम फ्रंट वाला गला लेंगे और इसे इस तरह से रखते हुए कैनवीज के मुताबिक यहाँ पे स्टिच करते हुए गले को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम बैक साइड का भी गला तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों गलों को स्टिच करते हुए दोनों गले तैयार कर लिए हैं। ये हमारा बैक साइड का गला है और ये हमारा फ्रंट साइड का गला है। अब इसे हम शोल्डर टू शोल्डर इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों शोल्डर को सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स किस तरह से अटैच करना है वो देखेंगे। शोल्डर टू शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया है। अब स्लीव्स अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये हमारे स्लीव्स, स्लीव्स को अटैच करने से पहले स्लीव्स के नीचे से हमें यहाँ पे पट्टी ऐड करनी है। ये देखिए एक स्लीव्स को साइड में रखेंगे। इस तरह से हम स्लीव्स को ले लेंगे और हमने जो पट्टी ली है 3 इंच की, 3 इंच की पट्टी को हम इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए पूरे पट्टी को ऐड कर लेंगे। ये पट्टी को इस तरह से आधे इंच पे स्टिच करने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें यहाँ पे भी आधे इंच पे स्टिच करते हुए ये पट्टी को इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेना है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को तैयार कर लेंगे। ये देखिए स्लीव्स पे हमने ये पट्टी को इस तरह से ऐड कर लिया है। हमारी दोनों स्लीव्स तैयार हो गई है। अब इसे हम शोल्डर पे अटैच करने का तरीका देखेंगे। ये देखिए टॉप को हमने इस तरह से रख लिया है। ये हमने इस तरह से हमारी स्लीव्स ले ली है। ये हमारा फ्रंट वाला भाग है, इसकी यहाँ पे हमने गहरी कटिंग की है। उस पर हम ये गहरी कटिंग करे हुआ भाग यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसे आधे इंच पे स्टिच करते हुए इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स को ऐड कर लेंगे। आधे इंच पे स्टिच करते हुए हमें दोनों स्लीव इसी तरह से ऐड कर लेने हैं। हमारे दोनों साइड की स्लीव्स हमने अटैच कर ली है। अब इसे हम फिटिंग लगाने का तरीका देखेंगे। फिटिंग करने के लिए हम टॉप को उल्टी साइड पे डाल देंगे। ये देखिए ये हमारे सीट का खचका, जहाँ पे हमारे सीट का हमने खचका लगाया था वहाँ पे हमें 1.5 इंच पे डॉट करना है। जहाँ पे हमारे कमर के पास खचका है वहाँ पे भी हमें 1.5 इंच पे डॉट करना है और जहाँ पे हमारे स्लीव्स अटैच है वहाँ पे भी हमें 1.5 इंच पे डॉट करना है। ये 1.5 इंच का जो डॉट किया है हमने ये डॉट टू डॉट लाइन अप करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी फिटिंग का डॉट लगा लिया है हमने। अब स्लीव्स पे किस तरह से डॉट लगाना है देखेंगे। ये स्लीव्स के पास हमने 1.5 इंच का डॉट लगाया है, उसी डॉट के मुताबिक हम इधर से डॉट लगा लेंगे और इसे भी इधर 1.5 इंच के फासले पे हम डॉट करते हुए स्लीव्स को फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ पे हमें हमारी गोलाई का नाप लेना है। गोलाई हमारी 5 है। ये देखिए इस डॉट के मुताबिक हम यहाँ पे स्टिच करते हुए यहाँ पे हम फिटिंग लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी डॉट करेंगे और वहां पे भी इसी तरह से फिटिंग लगा लेंगे। हमने इसे फिटिंग लगा दी है, दोनों साइड की हमारी फिटिंग लगाना हो गई है। अब इसके चौक बनाने का तरीका देखेंगे। चौक बनाने के लिए हम एक साइड को इस तरह से रखेंगे और एक साइड को इस तरह से लेते हुए 1 इंच पे इस तरह से फोल्ड करेंगे 1 इंच पे और फिर से 1/2 इंच पे फोल्ड करते हुए इसी तरह से हम पूरे चौक को यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम पूरे घेरे के चौक स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये दोनों साइड के चौक बनाना हो गए हैं। हमारा टॉप पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसके ऊपर का जैकेट बनाने का तरीका देखेंगे। हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। इसी के मुताबिक हमें दूसरे और दो दो पार्ट्स कटिंग करने हैं जो इसके नीचे लगा के हमें सिलना है। हमने ये डबल में कपड़े की कटिंग करके रख ली है। अब इसे स्टिच करने का तरीका देखेंगे। बैक साइड को लेंगे, ये हमारा बैक साइड का अंदर का स्तर है और ये हमारा फ्रंट वाला भाग है। इसे हम इस पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हम गले के पास में 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेंगे। हाफ राउंड के पास हमें 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है और इसी तरह से हमें 1/2 इंच की सिलाई नीचे से लगानी है। तीनों साइड पे हम स्टिच करते हुए पहले ये बैक साइड को तैयार कर लेंगे।
यहाँ पे स्टिच कर ली है। अब इसके हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करते हुए इसे फोल्ड कर लेंगे। कटिंग करते हुए यहाँ पे खचके लगा लिए हैं। अब इसे हम फोल्ड करने का तरीका देखेंगे। हमारा यहाँ से जहाँ पे हमारी फिटिंग है वहां से हमें इसे ओपन साइड रखा है, यहाँ से हम इसे इस तरह से सीधा कर लेंगे। हमने इसे प्रेस करके क्लीन कर लिया है। ये हमारा बैक साइड तैयार हो गया है। अब फ्रंट साइड को देखेंगे किस तरह से तैयार करना है। देखिए ये हमारा फ्रंट साइड है, इसे हम इसी तरह से डबल कपड़ा रखते हुए इसे भी स्टिच करना है और हाफ राउंड पे गले पे और सामने का ये जो स्ट्रेट वाला भाग है इसे और नीचे से आधे इंच पे सिलाई लगाते हुए इसी तरह जिस तरह से हमने बैक साइड को स्टिच किया है उसी तरह से इसे भी स्टिच कर लेंगे। हमने यहाँ पे जैकेट को स्टिच कर लिया है। अब इसे खचके लगाते हुए इसे फोल्ड करने का तरीका देखेंगे। फोल्ड कर लेंगे। हमने इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। ये हमारा फ्रंट वाला भाग भी तैयार हो गया है। अब इसे हम बैक साइड पे रखते हुए सिलने का तरीका देखेंगे। ये देखिए ये हमारा बैक साइड। आधे इंच पे स्टिच करते हुए शोल्डर को ऐड कर लेंगे और डेढ़ इंच पे हम फिटिंग लगा लेंगे। इसी तरह से हम इधर का साइड भी शोल्डर और बैक की फिटिंग लगा लेंगे और हमारा जैकेट तैयार हो जाएगा। हमने जैकेट को फिटिंग की सिलाई लगाते हुए जैकेट हमारा पूरी तरह से तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने डेढ़ इंच पे इसे फिटिंग लगा ली है और शोल्डर टू शोल्डर भी अटैच कर लिया है। हमारा जैकेट पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें डोरी ऐड करनी है। ये देखिए इस तरह से हमने ये डोरी को तैयार करके रख लिया था। आपको अगर ये इस तरह की डोरी तैयार करना नहीं आती तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने ये डोरी को तैयार कर लिया है। अभी डोरी को हमें यहाँ पे इस तरह से डोरी को रखेंगे और स्टिच करते हुए यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। इसी तरह से एक डोरी हमें यहाँ पे ऐड करनी है। दोनों डोरी को हम स्टिच करते हुए ऐड कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा जैकेट पूरी तरह से तैयार हो गया है और हमने इसे टॉप में इस तरह से डाल के आपको दिखा रहे हैं। ये इस पर हमने जो ट्राउज़र पैंट स्टिच की थी पिछले वीडियो में हमने ये ट्राउज़र पैंट को तैयार किया था। ये देखिए पोटली बटन डिज़ाइन तैयार की है हमने ये। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये हमारा ट्राउज़र पैंट पे का टॉप को हमने इस तरह से तैयार किया है। बहुत ही स्टाइलिश और पार्टी वेयर ड्रेस को हमने तैयार किया है और बहुत ही सिंपल स्टेप लेते हुए हमने ये टॉप को स्टिच किया है। आपको अगर ये ड्रेस की डिज़ाइन और इसकी कटिंग और स्टिचिंग वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। ये देखिए ये हमारा ट्राउज़र पैंट जैकेट ईद स्पेशल ड्रेस को डिज़ाइन किया है हमने ये। आप ये ईद पे स्पेशली ये ड्रेस को स्टिच करके पहनिए, देखिए बहुत ही खूबसूरती से आपका ये ड्रेस डिज़ाइन हो जाएगा। हमने बहुत ही स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल में ये वीडियो को तैयार किया है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ।